मुशर्रफ की टीम के लोग बैठे हैं, नासिर शाह साहब, इस्माइल राव साहब, मुशर्रफ की सराजा खान नहर साहब भी, सब हमारे मोहतरम है, जो साईं जाम साहब भी बैठे हुए हैं। शेख साहब तो के सुनाना तो यार तू घरू न गाला है, इसलिए इनको एहसास नहीं असेंबली का कि लाके बिठाया गया इनको। सर अगर इनको वोट लिया होता इन्होंने तो वोट का तकद्दुस इनको पता होता है। पीपल्स पार्टी बजट सिंध जो ठाहे पई, अंग अखर जी हेरा फेरी कम सिंध जो लाए पई, जेको इंदो सिद्धो विंदो रईस वडे जे बैंकुन में। कुदरती तौर ते एकड़ो थे तो सिलसिलो जो ही गर्मी जा महीना अचन था, कणक का लहण का पेरी जेको सो उते झकू घणियूं थी हलन, उने जे करे बाहे तमाम घणी थी लगे, वड़ा नुकसान थींदा। तां डिठो हुंदो इन अखबार में टीवी में त असांजी एरिया में जो उते जेको सो मुझे तक मुझे सर फायर ब्रिगेड कान्हे, आउं चवंसि त मुझे तक पीएस 43 ते घटि में घटि असांखे हिकिड़ी कंडियारीअ जे लाइ, हिकिड़ी तालका हेडक्वार्टर जाम नवाज़ अली लाइ, ऐं हिकिड़ी बुरड़ा शहर लाइ फायर ब्रिगेड्स ॾिनियूं वञनि त महिरबानी थींदी, ऐं उन्हनि ई शहर में असांखे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसिस ॾिनियूं वञनि त महिरबानी थींदी। एम्बुलेंसूं जेके वॾियूं वारियूं आहिनि उहे ॾिनियूं वञनि, नंढियूं वारियूं जेके आहिनि से नथियूं कमु अचनि। त नूरियाबाद में हेॾी सारी एनर्जी प्रोड्यूस थिए थी ऐं जेको हुते खां असांखे कमाए ॾिए पियो, उन ते बि तबसरा थिया त पैसा खाधी विया, कुझु कोन थींदो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सां गॾु तमामु वॾी इहा उते जी कारनामो आहे इहो पीपुल्स पार्टीअ जो। दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदासूं त महिरबानी करे लहजे खे ख़ुदा जे वास्ते हथ बधी थो अर्ज़ु करियां तव्हांखे, असेंबलीअ जे तकद्दुस खे बहाल रखो। इहो न शो करियो त असीं रोडनि तां खयल आहियूं, या असांखे उते चऊं था शेख साहिब तोखे सुञाणा थो यार तूं घणू न ॻाल्हाए, कहिड़ी पार्टीअ तो कोन ज्वाइन कई आहे? मूं त 25 साल फंक्शनल लीग में रहियसि, फंक्शनल लीग वारा कसम खणी ॻाल्हि कनि, तव्हां 25 साल फंक्शनल लीग में हुयसि कॾहिं न सर, डायरेक्टली न ॻाल्हाए। सर मैं अर्ज करूं, मैं 25 साल जब फंक्शनल लीग में था, मैं कलमा पढ़ के तैयार होकर बात बताने को तैयार हूं कि मैं पार्टी के साथ सच्चा रहा, और जब गया वहां लीडरशिप को बताया मैंने कि मेरी आवाम चाहती है, मेरे हल्के के लोग चाहते हैं कि इस मुल्क की सियासत करनी है तो जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान के पीछे चलो, हमारे शहीद रानी के पीछे चलो, बिलावल भुट्टो साहब के पीछे चलो, आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे चलो। मैं वहां आया हूं और मैं अर्ज करूं आपको, मैं अपनी पार्टी में आया हूं, मैं खुश हूं और मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूं। मैंने जितने साल इस असेंबली को होने को आया है और 1.5 साल 1.25 साल पिछला, उतने अरसे में मैंने जितनी मेरी एरिया में तरक्याती काम किए ना सर, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पहली इलेक्शन 93 में लड़ी थी, तब से लेके आज तक मैं वहां डिलीवर नहीं कर सका था, मैंने अब वहां डिलीवर किया, लोग मेरे से खुश हैं। और दूसरी अर्ज करूं आपको सर कि यहां पर सर इसलिए इनको एहसास नहीं असेंबली का कि लाके बिठाया गया इनको। सर अगर इनको वोट लिया होता इन्होंने तो वोट का तकद्दुस इनको पता होता, असेंबली का तकद्दुस पता होता। किसी ने कहा कि वजीर हमारे लगा दिए, हफीज शेख हमारा लगा दिया, फिर दौद आशिक कवान हमारी लगा दी, ये तो नजरिया ही हमारा ले लिया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं जियाउल हक की काबीना का वजीर खारजा, और कोई बताए ना बताए साईं कैमिल शाह साहब को जरूर याद होगा, बाकी तो नौजवान है सारे मुझ जैसे। बात यह है कि साहबजादा याकूब अली खान को, साहबजादा याकूब अली खान को 88 में क्यों वजीर लगाया बीबी ने? और आपके एक वजीर आजम, आपके वजीर आजम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो 85 में किसकी काबीना में थे पता है कुछ? हाजा भाई पता है कुछ किसकी काबीना में थे? जियाउल हक की काबीना में थे और आपके वजीर आजम थे, तो बताइए क्या उसमें भी जियाउल हक की पॉलिसी अमल कर रही थी? मुशर्रफ की टीम के लोग बैठे हैं, नासिर शाह साहब, इस्माइल राव साहब, मुशर्रफ की सराजा खान नहर साहब भी, सब हमारे मोहतरम है, जो साईं जाम साहब भी बैठे हुए हैं, और उसके बाद शिराजी साहिबान भी हैं, मजारी साहिबान भी हैं, खालिद लोन साहब भी MNA बैठे हैं, मलिक असद सिकंदर साहब भी बैठे हैं, मोहम्मद अली मलकानी साहब भी बैठे हैं, ये कौन है? और इम्तियाज शेख साहब, इम्तियाज शेख पांजो शेख है, पांजो भाई है, वो इतनी तेजी से इधर आते हैं, वो भी मुशर्रफ के थे। वधीक खबरन तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, अवामी न्यूज़।